भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को ब्रिटेन बड़ी राहत देने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि वह 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करेगा। इसके बाद इस वैक्सीन को 2 डोज लगवा चुके लोग बिना रोक टोक ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्सा एलियास ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि 22 नवंबर को यूके भारत की कोवैक्सीन को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करेंगे। इसके बाद दोनों टीका लगवा चुके लोगों को सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्व संगठन ने पिछले दिनों भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया था। इसके बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। इससे पहले पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कोविशील्ड को भी अपनी अनुमोदित सूची में शामिल किया था। यहां तक कि 18 वर्ष से कम उम्र के यात्रियों को ब्रिटेन ने राहत दी है। इन यात्रियों को भी पूरी तरीके से कोवैक्सीनेट यात्री माना जाएगा। साथ ही इन्हें किसी टेस्ट या आइसोलेशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इन यात्रियों को एक कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत की कोवैक्सीन के अलावा चीन निर्मित सिनोवैक्स और सिनोफार्म नोविक कोविड-19 टीके को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया जाएगा। इन दोनों वैक्सीनों को भी WHO ने मान्यता प्राप्त की है। ब्रिटिश सरकार की ओर से किए गए ये सभी बदलाव 22 नवंबर को सुबह 4 बजे से प्रभावी होंगे। यूके के परिवहन मंत्री ग्रांट साफ्स ने सोमवार को कहा है कि यात्रा नियमों को और सरल बनाया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के सभी यात्रियों को टीका लगवा चुके यात्रियों जैसा माना जाएगा। ऐसे यात्रियों को केवल आगमन के बाद अपनी एक जाँच करानी होगी, उससे संबंधित परिणाम पत्र साथ रखना होगा। यात्रा नियमों को सरल बनाने के बाद कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।